फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय शंकर की। जय शंकर, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सो माय नेम इज अनिमेश, वेलकम टू माय चैनल। सो आज जा रहे हैं हम भीमा शंकर भोले के चरणों में जा रहे हैं। हाँ, भोले के चरणों में। कौन सा त्रंबक? भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग आज हम वो कर रहे हैं। आज सैटरडे मॉर्निंग में निकले हम, खानदास विलेज के यहाँ पे गाड़ी लगाए। तो अभी किया हम जा रहे हैं, हमारे साथ है परवीन, विकास भाई। हेलो, बहुत दिनों के बाद। हाँ, बहुत दिनों के बाद हमारे साथ आए हैं वापस मंडली ज्वाइन करने के लिए। और वो भी हमने डिसाइड किया कि हमको 12 ज्योतिर्लिंग कम्प्लीट। तो शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। भीमा शंकर से। पहले इनके घूमे हुए हैं, दर्शन करे हुए हैं, लेकिन अब वापस से नया इन्होंने एक टारगेट लिया है। नई शुरुआत करेंगे। कोविड वापस से शुरुआत करनी है, नया जीवन शुरू कर रहे हैं। वापस 12 के 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन। यस यस यस, अभी पहला है हमारा। चलो, आज से पहला 2021 में। यस, नांदेड़ से आगे है ना? कौन सा परली? नांदेड़ से और आगे। बारिश आ रही है अभी तक हम हाँ, देखो ये सुकून, वही तो मजे आते। चलो, मैं डाल रहा मोबाइल अभी अंदर। सो गाइस, पूरे जंगल से होते हुए जा रहे हैं हम। मस्त डार्क फॉरेस्ट है और ये हमारे रविन भाई। वही तो, हमारे ग्रुप के चीते हैं वो। चीता है वो। वो रुके ही नहीं। ये अभी हम थोड़ा सा आ गए, थोड़ा बारिश था बीच में, इसलिए यहाँ पे और मंदिर है। हाँ, मंदिर देखते हैं कौन सा। मस्त चल रहा है ट्रैक, बहुत बारिश है यहाँ पे, बहुत एंजॉय कर रहे हैं मस्त पानी में। या नहीं, वो तो बोलता ब्रेक चाहिए नहीं बीच में, डायरेक्टली ऊपर उधर ही डायरेक्ट ब्रेक। क्या तेरा अलग है? लेवल अलग है उनका। क्या कर रहा था, फोटो लिया? हमारे ब्लॉगर यो भाई, मस्त ग्रीनरी बनी। तो विकास, कैसे लग रहा है बहुत दिनों के बाद? मतलब तू तो करता ही है रेस में। अभी शुरू करते हैं। This is how we do trek. Running. भीमा शंकर एक घंटे में करने का सोच रहे। ओह वाव, ये देखो चढ़ाई बाकी है। बहुत ही अच्छा,
थोड़ा ठंड है, मज़ा भी आ रहा है थोड़ा संभाल के। हर महादेव, हर हर महादेव। तो थोड़ा पानी भर लेते हैं, नेचुरल वाटर। वो गया क्या आगे? रुक रुक, यस नेचुरल वाटर गाइस, ये पानी पियेंगे। वाह, अभी हम आगे मिलते, चलो। बस जय महाकाल भाई, और थोड़ा बाकी है। हर हर महादेव, हर महादेव। चलो भाई, मस्त मजा आ रहा। अभी आएगा मजा, तो क्या आएगा मजा, तपस्या का फल। हाँ वही तो। मंदिर बनने को है तो हमको पास जाना पड़ेगा। चल भाई, लेकिन अभी वापस एक से काउंटिंग करेगा। फाइनली हो गए अपने दर्शन। मेरा चौथा ज्योतिर्लिंग है ये, क्या मेरा 2021 के अंदर कम से कम तीन करने का टारगेट है। 2020 में तीन हो गए थे, इसमें कर लेंगे अपने। महाराष्ट्र का तो खरीदेंगे, प्लस गुजरात का। ये मेरा पहला था, छह कर डालेंगे ये 2021 में। मेरा फर्स्ट, मेरे से चार अभी। सो गाइस, मस्त दर्शन हुए हमारे भीमा शंकर में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मन शांत हो गया। जो एक ज्योतिर्लिंग मतलब दर्शन करके जितनी खुशी मिलती है ना भाई साहब, आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप में कुछ स्पिरिचुअल भावना है तो, आध्यात्मिक जो बिलीव करते हो तो। और भीमा शंकर एक बहुत ही शानदार लोकेशन पर बसा हुआ है चारों तरफ, और बारिश के मौसम में तो मजे ही मजे, आनंद होती है। मुझे जो खुशी हो रही है वो तो मैं बता नहीं सकता। सो गाइस, मस्त ट्रिक हुआ आज का। दौड़ते दौड़ते आए नीचे मैं और विकास, अभी रुके प्रवीण के लिए। तो उसके बाद एक झरना पता चला है हमको, उस झरने के पे जाएंगे। फाइनली आ गए हैं। अरे हम लोग रुक गए थे वहाँ पे, किधर एक दो जगह फोटो मिला, फोटो का वेरी नाइस। बैग सारे ऐसे ही खुली थी, खुला ही था, गिरा तो नहीं ना कुछ। सो गाइस, फाइनली हमारा ट्रेक हो गया है भीमा शंकर का। मस्त दर्शन हुए आज, बहुत मजा आया आज। भोले की कृपा से, भोले की कृपा से। हम लोगों को पहले उम्मीद नहीं थी कि दर्शन होंगे, लेकिन जब वहाँ पे मंदिर परिसर में गए तो किस्मत ही मान लो, बस दर्शन हो गए। और काफ़ी अच्छा ट्रेक है, आप भी कर आपको सकते हो। मौका मिले मानसून में, बहुत अच्छा ट्रेक है। और जो मौसम है
वो तो बादलों का ही रहता है बिल्कुल यहाँ आसपास में। वो तो है। और झरने काफ़ी है देखने के लिए और नहाने के लिए, तो शानदार सीनरी है भाई साहब, सब मोह माया है यहाँ आने के बाद। चलो भाई मिलते हैं बाद में, मिलते हैं अगले ट्रिक में, अगले जल्दी ही।